हेलो नमस्कार, आज हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, यानी लसा और महसा। पहली क्लास में हमने संख्या पद्धति की बात किया था और इस क्लास में हम बात करेंगे लसा और महसा। तो सबसे पहली बात, हम दो चीजें आप जान लीजिए, लसा और महसा। लसा का मतलब होता है लिस्ट, एक आपको लिख लेते हैं पहले लसा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, इसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक होता है आपका महसा, ठीक है, इसको कहते हैं एच सी एफ, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दो चीजें होती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। एक इसका होता है महत्तम समापवर्त और इसका होता है लघुत्तम समापवर्त। अब जैसे इसमें मैंने कॉमन की बात किया, इसमें भी कॉमन की बात होती है, कॉमन चीजें होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं, पहले आपको मैं एचसीएफ बता देता हूं। एचसीएफ का मतलब पूछेगा आपसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हाईएस्ट, हमने मैंने लिखा ना हाईएस्ट, यानी कि महत्तम, सबसे बड़ा। अब देखिए, जैसे कि आपको कहेगा 24, 32, 40, इसको ऐसी कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सबको डिवाइडेड कर पाएगी, यानी सबको विभाजित कर पाएगी। तो अब हमें इसे डिवाइडेड करने वाली संख्या जो निकालेंगे, वही हमारी जो होगी वो कॉमन होगी। कॉमन जो आएगी, जो तीनों को डिवाइड कर देगी, वो हमारा एचसीएफ होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इस टाइप के सवाल होते हैं। अब जिसको इसको निकालने के कई तरीके होंगे, आपने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि, भाग विधि, दोनों विधि से आप निकालिएगा, जो भी विधि आपको पसंद होगी। मैं आपको सवाल को बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सवाल लगाने होते हैं। जैसे कि अब लसा में बात होता है, लसा कैसे लगाते हैं, तो इसी को पूछ देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो इसी सवाल को ले लेते हैं हम, तो जो इन तीनों से विभाजित हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वो जो हम निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं और भाग विधि से भी निकालते हैं, तो हमारा क्या आता है, लसा आता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, आपके ऑप्शन है 24, 60 और 84, इसको पूरी पूरी विभाजित करे। इसका मतलब आना है क्या, तो जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें या जो तीनों को विभाजित करने वाली बात करें, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां पे आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि महसा। तो निकालेंगे कैसे महसा, आपको दो तरीका, या तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, जैसे इसका गुणनखंड जो भी हो आप कर सकते हैं गुणनखंड, जैसे 24 का गुणनखंड निकालेंगे आप, 60 का गुणनखंड निकालेंगे और 84 का गुणनखंड निकालेंगे, इसको गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप भाग विधि का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो इस वाली विधि को अपनाइए, जो भाग विधि है 24, 60, 84। अब वो सबसे छोटी संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को काट सके, वह छोटी संख्या लीजिए, सबसे छोटी संख्या जो तीनों को पहले काट सके। तो हम सबसे पहले 2 से काटते हैं, कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा और ये 21 बार में जाएगा। अब कोई संख्या ऐसी छोटी संख्या बताइए जो तीनों को फिर काट सके, तो हमारी तीन होगी, तीन से तीनों कट जाएंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में। लेकिन अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, क्योंकि 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को एक साथ में काट सके। तो हमारा जो इसका मौसा आएगा, जो अभीष्ट संख्या होगी, जो हमारी संख्या प्राप्त होगी इन तीनों के लिए जो काट सके, वो 2 × 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 12। 2 का गुणा 2 में करके फिर 3 से गुणा करेंगे तो 12। 12 से देखेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, विभाजित होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, 12। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके उस पर बताइए कि ये क्वेश्चन हमारा लसा महसा का फंसा हुआ, या संख्या पद्धति का कोई भी चैप्टर हो आपका, कहीं से भी पढ़ रहे हो, यदि कोई सवाल फंसा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आगे कह रहा है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, मान लीजिए मेरा खेत है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 320 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। ठीक है, मैंने चौड़ाई 200 मीटर और लंबाई मैंने 320 मीटर कर लिया। इसमें कह रहा है कि क्यारियां बनी हुई, अब कितनी क्यारियां हैं मुझे पता नहीं, चलिए इसे क्यारियां बनी हुई हैं जो कि वर्गाकार क्यारियां हैं। ठीक है, अब कितनी क्यारियां हैं पता नहीं, कह रहा है इन्हीं क्यारियों की जो संख्या है वो बतानी है, और ये जो क्यारियां हैं वर्गाकार क्यारियां, तो उनकी संख्या कितनी है यही बताना है।
संख्या नहीं बताना, इसकी भुजा बताना है कि यानी एक क्यारी कितनी बड़ी है या उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। जब मतलब वर्ग है तो जो उसकी भुजा होगी वो सभी तरफ की बराबर होगी, तो वही भुजा पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात, दो चीजें दिया हुआ है, 320 मीटर वो लंबा है और 200 मीटर की चौड़ाई हुई। तो हमें इसमें निकालना क्या है, निकालना है इसमें मौसम, क्योंकि इसका भुजा पूछ रहा है वर्गाकार है और उसमें यानी कि मैक्सिमम कितनी होगी। तो इसमें हम मौसम निकालेंगे, मौसम कैसे निकालेंगे मैंने बताया था आपको। सबसे पहले 320 और 200 को लिख लेंगे, फिर इसको हम भाग विधि से डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यह 160 बार में चला जाएगा, यह 100 बार में जाएगा। फिर 2 से काट सकते हैं, यह 80 बार में चला जाएगा, यह 50 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काट सकते हैं, यह 40 बार में चला जाएगा, यह 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी कौन संख्या जो दोनों को काटे, 2 से तो यह कट जाएगा पर यह नहीं कटेगा, अब 4 से तो यह कट जाएगा पर यह नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 से दोनों कट जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। लेकिन अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 को भी और 5 को दोनों को काट पाए, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मोशन निकालना है। तो मोशन का देख लेते हैं कितना है हमारा, अब इस संख्या क्या आई है, 2 × 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 5 हमने वही कर लिया है। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। यानी एक जो वर्ग है इसमें जो क्यारी है उसकी भुजा कितनी है, वो 40 मीटर की है। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी सवाल होंगे तो आप इस प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये पहला पार्ट है इसका, लश मौसा का पार्ट वन है। अभी बहुत 2-3 पार्ट और इसमें है जिसको आपको पूरे पूरे सवाल बता दिए जाएंगे कि कैसे कैसे के सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल होते हैं, सभी सवालों को इसमें कवर कर लिया जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कह रहा है 134, पहले लिख लेते हैं संख्याएं, 134, 159, 184। इसमें प्रत्येक में वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या मैंने क्या बताया, मौसम निकालना है। मौसम निकालने के बाद होगा इसमें क्या निकालना, पहले हमें निकालना है इसमें मौसम यानी कि HCF, हमें HCF पता करना है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें हम भाग देते हैं, यदि मौसम निकालने के बाद इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। शेष कितना बच रहा है, हम शेष को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, शेष बचना चाहिए 9। ये दो चीजें हमें पता चल रही, संख्याएं हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसमें और इसमें और इसमें भाग देने पर 9 शेष बचे। तो सबसे पहले जब 9 शेष बचना है तो हमें पहले शेष को माइनस कर लेते हैं तीनों संख्याओं से। तो चलिए शेष को माइनस कर लेते हैं, जब 134 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 125। इसी प्रकार 159 में से 9 माइनस करेंगे तो 150। 184 में से आप यदि 9 माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस कर लेंगे तो 175 बचेगा। ठीक है, तो अब आपकी संख्या हो गई 125, 150 और 175, ये आपकी संख्या हो गई। अब हमें निकालना है मौसम, तो मौसम हमने निकालने के लिए आपको क्या बताया है, आप निकालेंगे 125 पहले लिखेंगे, कॉमा 150, कॉमा 175। अब हम इसे भाग विधि से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, किससे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यही कटेगा केवल, बाकी 2 कटेंगे नहीं, 3 से भी नहीं कटेंगे, तो हम सीधे 5 ले लेते हैं। 5 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 25 बार में, ये कितने बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, 35 बार में। फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में और ये 7 बार में, लेकिन इसके बाद अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग संख्याएं हो गई। जब तीनों संख्याएं अलग हो गई तो भाग नहीं जाएगा, तो बचा हमारे अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 5, यानी कि 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 25। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 25 होगी जो इसमें भाग देने पर, इसमें भाग देने पर और इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। हमारा आंसर कितना आया, 25। आप एक भाग देखकर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग करने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जब कह रहा है कि जो 2934 और 3254 में भाग करने पर 11 तथा 15 शेष बचे, ऐसी कौन सी संख्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें फाइंड करना है। पहले क्या कह रहा है, क्या 2934 है, 3254 है, इसमें यदि हम भाग देते हैं तो क्रमशः यानी इसमें भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। ठीक है, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन, इसमें भाग देंगे तो इतना और इसमें भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। तो हमें क्या बताया, कैसे कहा था हमने कि जो शेष बचेगा पहले उसमें से उसको माइनस कर लेते हैं, यानी कि 2934 में 11 शेष बचेगा तो हम माइनस कर लेंगे तो 2923 बचेगा,
ठीक है, और इसमें 15 शेष बच रहा है तो उस शेष को पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो 15 इसमें माइनस कर लेंगे तो 3239 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करेंगे इसका मौसा निकाल लेंगे। मौसा किसका निकालेंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें मौसा निकालना है। इसको मतलब हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, भाग विधि से हम इसका मौसा निकाल लेते हैं। छोटी संख्या हमने इधर रखा, बड़ी संख्या को हम इधर रख लेते हैं और भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा क्योंकि ये लगभग बराबर के हैं, तो 3239 इसमें माइनस करेंगे तो 316 बचेगा। फिर हम इधर लिख देंगे 2000, इसी संख्या को फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है हमने लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 9 बार में, 9 से इसमें 9 बार में जाएंगे तो 9 बार का 9 का गुणा इसमें कर लेते हैं, कितना बचेगा 779 बचेगा। अब इधर से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 316 में फिर हमें भाग देनी है, तो भाग देंगे कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना जाएगा 316 पूरा कट जाएगा, यानी जो हमारा लास्ट की जो भाग दी गई संख्या है वो कितना है 79 है, यानी कि 79 जो हमारी संख्या होगी वो इन दोनों के लिए मौसा होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दशा में, यदि इसमें भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। अब यकीन नहीं होता है तो आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही शेष बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऐसे भी सवाल आते हैं कि शेष जो बचना चाहिए वो बताएगा नहीं कि शेष कितना बच रहा है, शेष बोल देगा समान बच रहा है, संख्याएं आपको देगा कि इस संख्या और इस संख्या और इस संख्या से आपको भाग देनी है, इस संख्या में भाग देनी है। तो सबसे पहली बात संख्याएं क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं, संख्या दिया है 351 और क्या है, पहली संख्या 351, दूसरी संख्या है 524 और तीसरी संख्या है 697। अब इन्हीं तीन संख्याओं को दे रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसमें, इसमें और इन तीनों में भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो शेष बचे वो समान शेष बचना चाहिए, यानी शेष का जो डिफरेंट वो नहीं होना चाहिए। अब शेष कितना बचना है ये भी नहीं बात किया, तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहली बात जो सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी उसको सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, तो सबसे दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन है, ये सबसे दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या है, तो 524 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 351, इसको हम घटा लेते हैं। फिर जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या को हम घटा लेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 697 में से उससे छोटी क्या है 524 को हम घटा लेंगे। फिर जो सबसे बड़ी संख्या है उस बड़े सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटाना है, 697 माइनस 351। अब देखते हैं कितना शेष बचता है, एक सौ तिहत्तर बचेगा इधर, और यहां पे भी देखें तो 173 और यहां पे देखें तो 346, यानी कि हमारी जो संख्या हो गई वो 173 और 346 ये हमारी संख्या हो गई। अब इसी का हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। अब चलिए इसका आप मौसा निकालेंगे तो आपका जो आंसर होगा वही आंसर आ जाएगा। तो अब इसका मौसा निकालिए, यानी कि 173 346। अब इसका मौसा निकाल लीजिए, सबसे पहली बात तो 173 173 दो बार है तो हम इसी से संख्या से भाग कर लेते हैं, तो एक बार में जाएगा और ये दो बार में चला जाएगा, तो एक बार में गया मतलब 173 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 173 होगी जो इस 351 524 और 697 में आप भाग करेंगे जो शेष होगा वो समान बचेगा। आप भाग करके चेक कर सकते हैं, आइए चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है ऐसा। तो यदि हम 351 में 173 से 351 में भाग करेंगे तो यह जाएगा दो बार में, कितना आएगा 346, कितना बचेगा 5, आपका 5 शेष बचेगा। किसी भी संख्या में भाग कर लीजिए शेष आपका समान होने वाला है, 5 ही शेष बचेगा, ये ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला सवाल है, एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर है, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी पूरी मापी जा सके। आपको बीमाएं दिया है 18 मीटर, एक बीमा आपकी 18 मीटर है, दूसरी बीमा आपकी कितना दिया है 12 मीटर, और तीसरी बीमा आपकी 10 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी
पैमाना बताइए जो तीनों को माप सके। अब तीनों को माप सके वो बड़े से बड़ा पैमाना बताना है, यानी इसमें हमें निकालना है HCF यानी कि मास। तो चलिए इसका हम मास निकालते हैं, यानी 18, 12 और 10 का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 9 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या है क्या जो तीनों को विभाजित फिर कर पाए, यदि हम 3 से काटेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, तो 5 से कटेंगे तो ये अकेले कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, इस प्रकार से हमें यहीं पे छोड़ना है। तो अभी संख्या हमारी क्या मिलेगी, यानी कि 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी पैमाना हमारा 2 मीटर का पैमाना होगा, तो सभी बीमाओं को आसानी से मापा जा सकता है, यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए जो इतना ही, जो स्टार्टअप का हमारा लशा और मसा का चैप्टर स्टार्टअप था, तो हमने 2-4 सवालों से आपके लिए स्टार्टअप कर दिया है। आप ऐसे सवाल लगाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा, और बाकी के जो टाइप सवाल बचे हुए हैं उस टाइप के सवाल आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।